इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैन एंड्रियास गेम के अंदर अगर आपको ये वाला एरर दिखाई देता है, नो नेटवर्क कनेक्शन कनेक्ट टू डाउनलोड गेम डेटा, तो यहाँ पर इस एरर को कैसे सोल्व कर सकते हैं ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके सोल्व करने के लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना होगा अपने फ़ोन की। सबसे पहले सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मोर में जाना होगा और एक दफ़ा एरोप्लेन मोड को लगा देना होगा और बंद कर देना होगा। उसके बाद बैक लाना है। बैक लाने के बाद यहाँ पर जो है आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर डेट एंड टाइम पर जाना है। डेट एंड टाइम पर जाने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम और ऑटोमेटिक टाइम जोन दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो दोनों पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद बैक लाना है। बैक लाना है और यहाँ पर मैनेज ऐप्स पर जाना है। यहाँ पर आपको GTA सैन एंड्रियास को ढूंढ लेना होगा। मैं यहाँ पर इसको ढूंढ लेता हूँ, टाइप कर देता हूँ सर्च पर, जिससे कि हमें ये जल्दी मिल जाए। आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं, वैसे मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। अगर थोड़ी सी नीचे हमें मिलता है तो हम उसे यहीं से खोल लेंगे, अगर ज़्यादा नीचे मिलता है तो हम इसको सर्च कर लेंगे। तो मैं देखता हूँ कि अगर मिल जाता है तो ठीक है। तो ये रहा GTA सैन एंड्रियास को खोल लेना है, और खोलने के बाद यहाँ पर आपको देखना होगा रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज, तो इस तीनों को आपको अलाउ करके ओके कर देना है और यहाँ पर फोर्स स्टॉप मार देना है और अपने फ़ोन को बंद करके चालू कर लेना है। इंटरनेट डेटा कनेक्शन को देख लीजिएगा चल रहा है या नहीं, उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए। उसके बाद आपको सैन एंड्रियास के अंदर ये जो एरर था ये नहीं देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।